मैं मम्मी और पापा जी दोनों को रोज़ बोलती हूँ कि ये चप्पल ना इधर मत रखा करें, क्योंकि देखो विहान गिर गया ना साइकिल से, इधर रख देते हैं, क्योंकि विहान क्या है साइकिल चलाता चलाता बाहर चला जाता है, और यहाँ जूते चप्पल रखे होते हैं तो देखो गिर गया, बट थैंक गॉड चोट नहीं लगी। फिर मैंने ये चप्पल उठा के इनको साइड में कोने में लगा दिया था, और मम्मी देखिए इस टाइम आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, दोपहर का टाइम है, और पापा जी भी देखिए ज़मीन पे सो रहे हैं, उनको फर्श ठंडा ठंडा लगता है, और मैं अभी नहा के आई हूँ और सिर भी धो लिया आज लगे हाथों मैंने, और जब मैं आई तो विहान ने क्या किया, गमले में से मिट्टी निकाल के फर्श पे फैला दिया, तो मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी, तो मैंने पहले वैसे झाड़ू पोछा लगा दिया था आज सुबह, हल्का हल्का सा बस मिट्टी मिट्टी निकालने लग रही हूँ इस टाइम में यहाँ से। उसके बाद मैं बालों में अच्छे से कंघी भी करूँगी, क्योंकि बाल अभी गीले हैं तो अच्छे से मेरे कोम्ब हो जाएंगे, और आज आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, बातें भी करनी है और कुछ रियलिटी दिखानी है। देखिए मानने वालों के लिए तो है सब कुछ, देखिए कहते हैं ना कि देखिए भगवान है तो शैतान भी है ना, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, आप एक को मानो और दूसरे का ना मानो तो वो ऐसा नहीं होता, आप समझ रहे हो ना। आप मंदिर में भगवान जी की पूजा करते हैं हम सब, लेकिन हम क्यों डरते हैं शमशान में जाने से, कुछ तो है ना ऐसा जहाँ हमें डर भी लगता है। तो दोनों चीज़ें हैं, देखिए मानने वाला मानेगा उन चीज़ों को, और मैंने आज खुद फील किया। एक्चुअली हुआ क्या कि कल रात को मैं मेरी मम्मी के घर गई थी, एक्चुअली मैंने बताया था ना वहाँ बहुत सारे चूहे हैं, तो कोई भी नहीं था उस घर में, सिर्फ मैं थी और चूहादानी लेके गई थी, तो मैं देखने गई फिर रात को कि चूहा कोई फंसा तो नहीं, तो जब मैं रात को गई ना चूहा देखने के लिए, तो एक चूहादानी में चूहा फंस रहा था, तो बाहर से आपको मेरा ये घर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और मुझे कुछ आहटे कुछ हलचल ऐसी फील हो रही थी, कुछ अनयूजुअल चीज़ें लग रही थी कि कुछ तो है गड़बड़ है मेरे इस घर में। यहाँ देखो कुछ कपड़े फेंके हुए हैं, पता नहीं किसने फेंके हुए हैं, और ये वाला जो घर है ना ये अभी तक सोल्ड हो चुका, लेकिन जो इनका ओनर है ना उन्होंने इस घर की सफाई नहीं करवाई। ये देखिए इस तरीके से ये घर है, और इस घर के अंदर आप देख सकते हो पूरा खिलाड़ा सा है, खिलाड़ा भी क्या है, मतलब पूरी गंदगी मची हुई है, और ये मम्मी ने थोड़ी सी बेल बनाई थी, ये घिया तोरी पता नहीं किस चीज़ की बेल है मुझे अंदाज़ा नहीं है, ये देखो पूरा ऊपर तक चढ़ रही है, ये हरियाली हरियाली आपको दिख रही है ना। तो मैं आपको ना, आप ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है सच में इस घर में, मेरे को खुद फील हुई है। ऐसा घर में नॉर्मली ये चीज़ें नहीं होती, देखो दरवाजे एंट्रेंस पे कूड़ा किसी के घर में नहीं होता इस तरीके से पड़ा हुआ, और वो भी क्या कतरने लीरे जिसको बोलते हैं, फटा हुआ कपड़ा देखो हमारे घर के दरवाजे पे रखा हुआ है, देखो किस तरीके से, और गॉड बाप रे क्या है ये, एक मिनट, आपने खुद सुना ना, मैं मम्मी के घर में इधर ही बैठी हुई थी अंदर एडिटिंग करने के लिए कि चलो थोड़ी वीडियो में आवाज़ दे देती हूँ, एकदम से तेज आवाज़ नहीं आई आपको, मुझे भी आई, अब आप आगे सुनिएगा, जाने दीजिए इस बात को। तो ये देखिए घर के एंट्रेंस पे एक प्लास्टिक की टूटी हुई बाल्टी रखी है, दो तीन ये डिस्टेम्पर के जो होते हैं ना सीमेंट डिस्टेम्पर, आया होगा कभी, वही बाल्टियाँ पानी में लगा दी थी, तो क्या बोलूँ मैं, है ना, कुछ है अनयूजुअल है इस घर में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है, जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारी समझ के बाहर होती हैं, क्योंकि आप देखो ना घर में आपको एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होगी, लगेगा कि पॉजिटिविटी वाइब्स वाले, एक होते हैं ना कि जैसे ओरा होता है कि किसी भी इंसान से हम मिलते हैं तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, उसी तरीके से किसी घर को देख के एक बार तो आती है पॉजिटिव वाली फीलिंग, और कभी कभी किसी घर को देख के आती है नेगेटिव वाली वाइब्स कि कुछ नेगेटिविटी इस घर में है, और वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस घर में है, क्योंकि मेरी मम्मी करीबन 8 महीने से अकेले रह रहे थे, उससे पहले तो चलो मैं मम्मी के साथ रह रही थी, तब मुझे ऐसा इतना वो फील नहीं हुआ, मुझे लगता था सब ठीक है, बट हमारे घर में कलेश झगड़े बहुत होते थे, इधर मैं ताला लग रहा था तो मम्मी के पास जा रही हूँ और चाबी लेकर आऊँगी मम्मी से उस घर की, तो मैं ये कह रही थी कि ना मैंने एक बात और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं इस घर में रहती थी ना जिस घर की अभी मैं चाबी लेने जा रही हूँ, तो मैं और मम्मी साथ में रहते थे और हमारे इतने झगड़े होते थे, मैं आपको याद है मैं कितना रोया करती थी वीडियो में भी लाइव में भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस बहुत गंदा माहौल होता था,
उसके बाद जब मैंने दूसरा घर लिया ना, उसमें शिफ्ट हो गई, उसके बाद आप मेरी वीडियोस भी देखोगे तब से करीबन मुझे 1 साल हो गया है उस घर को लिए हुए, जो मेरा दूसरा घर है साथ वाला, और तब से देखोगे आप मेरा कंटेंट देखो, इतना पॉजिटिविटी वाला रहता है। और ये देखो आप, आपको कुछ नेगेटिविटी फील नहीं हो रही, आपको कुछ नहीं लग रहा कि कुछ अजीब है इस घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो अलग है। मैं कल दोपहर को जब मैं पिंजरा लगाने आई थी तब यहाँ कुछ भी नहीं था, ये सामान फर्श बिल्कुल खाली था। रात को जब मैं आई तब भी खाली था फर्श, और अब मैं आई हूँ तो देखो एक ये देखिए टूट उल्टी हुई ये रखी, एक ये पिक्चर लगी हुई है दीवार पे, नीले रंग के वॉलपेपर्स लगे हैं। चलो वो तो मैंने ही लगाए हैं, लगवाए थे उस टाइम, मुझे पसंद आ रहे थे कलर। तो ये देखिए ज़मीन पे ये जो सामान फैला हुआ है, कुछ अलग कुछ अजीब लग रहा है ना, कि कुछ अनयूजुअल है इस घर में, कुछ तो है जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम मानते नहीं हैं, हमें लगता है कि नहीं है लेकिन कुछ होता है। वरना एक ही बात सोचिए ना, ऐसे कैसे कोई चीज़ें फैल जाती हैं, आप ही बताइए घर ऐसा कैसे फैल जाता है। आप मेरा घर देखते हो, वो इस तरीके से तो नहीं फैलता, चलो थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि हो जाता है, बच्चे वाला घर है, सामान इधर उधर हो जाता है, बट इस तरीके से आप ही बताइए ना, ऐसा क्या हो रहा है कि मेरी मम्मी इतने बीमार हो गए हैं इस घर में रहने से। 8-10 महीने मम्मी इस घर में रहे और अब पता नहीं क्या हो रहा है मम्मी को, आपको भी पता है, रात रात भर सोते नहीं हैं, वो कहते हैं कि कुछ आवाज़ें आती हैं। मम्मी ने मुझे बात बोली कि मम्मी बोलते कुछ आवाज़ें आती हैं इस घर में, डर लगता है उनको। क्यों लगता है डर, वही तो बात है ना सोचने वाली, क्या है ऐसा इस घर में। आप देखो ये रसोई, रसोई क्या ऐसी होती है, मेरे को तो नहीं लगता पूरा सेट करके किया गया घर, आज ऐसी दुर्दशा इस घर की क्यों हो रही है। और मेरे को पता है मैं इस घर को आज जचा के जाऊँगी, सेट करके जाऊँगी, अगले दिन फिर ये वैसा ही बिखर जाता है। और सबसे बड़ा अपशगुन मुझे इस घर में लगा, ये मंदिर टेढ़ा लगा हुआ है। ये मंदिर मेरी मम्मी ने लगाया था जब मैं लाई थी पिछले साल सर्दियों में, है ना, तब मैं लाई थी इस घर के लिए स्पेशल कि इस घर में मंदिर नहीं है, मैं मंदिर लाऊंगी। और वो मंदिर मम्मी ने कहा था कि मैं लगा दूंगी, तू रहने दियो। और ये मंदिर देखो टेढ़ा लगा हुआ है, ये मंदिर का मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है ये देखो। और मेरी मम्मी जैसे ही मैं चाबी लेके मम्मी से इस घर में आई, मेरी मम्मी तुरंत इस घर में वापस आ गए, विहान को भी छोड़ के इधर आ गए। मम्मी को लगा, मेरे को लग रहा है कि मम्मी के ना दिमाग में ही चीज़ बैठ रही है कि निधि मेरा सामान उठा उठा के किसी को दे रही है। पहले मेरी मम्मी दूसरों पे शक करते थे, अब मेरे ऊपर ही शक कर रहे हैं। आज मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा क्या तूने बेड मत खोली, मतलब बेड खोला था पीछे वाला ये बेड, और खोल के तूने सामान आगे वाले बेड में किया। मैंने कहा मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मम्मी आज अभी जब मैं चाबी लेने गई ना, मम्मी ने मुझे जोर दे के बोला निधि, मैंने कहा हाँ बोलो मम्मी, मेरा बेड मत खोलियो, उसमें से कुछ मत निकालियो सामान। मैंने कहा मम्मी मैंने तो ज़िंदगी में आपका बेड खोला ही नहीं ना, मैंने कोई सामान निकाला, मैं तो जस्ट काम एडिटिंग करने जाती हूँ इस घर में, इवन मैं तो सफाई भी नहीं करती हूँ इस घर की कि झाड़ू पोछा लगा के आती हूँ, बस अपना काम किया वापस आ जाती हूँ मैं। मम्मी बोलते हाँ, फिर आराम से बोल रहे मेरे को, बोलते ऐसे ही आई हो, बस अपना एडिटिंग का काम कर लियो, इससे ज़्यादा नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊँगी इस घर का, अभी आप देखो यहाँ पर भी कुछ सामान फैला हुआ है, आपको नहीं लगता कुछ है, कुछ तो है इस घर में, है ना। कहते तो हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ जादू टोना होता है, कोई कह देते हैं टोना टोटका होता है, कोई कुछ कह देता है, वो सब मुझे नहीं पता, वो सब मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा इस घर में है, है ना, मुझे कुछ नहीं पता क्या है, वो आप लोग बताइए कि ऐसा क्या है इस घर में, क्यों ऐसा पड़ा है ये घर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना घर को, आप ही बताइए ना। ये देखो ये ख़राब हो चुकी है शिमला मिर्च, यहाँ पर रखी हुई है। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ दिखाती हूँ, मैंने फ्रिज खोला और फ्रिज में मेरे नारियल रखवाए थे इस फ्रिज में, और थोड़े से फल फ्रूट रखवाए थे, बट ये देखो आप, ये नींबू है, इनकी हालत देखो नींबू की कैसे हो चुकी है सूख के। मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं ये नींबू बाहर फेंक दूँ, ख़राब हो चुके हैं। मम्मी ने कहा नहीं नींबू फेंकना नहीं है, ये गर्म पानी में ठीक हो जाएंगे, इनको गर्म पानी में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। मुझे बताइए क्या नींबू पहले जैसे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता हो सकते हैं। लेकिन मेरी में हिम्मत नहीं थी मम्मी को ये बात बोलने की, क्योंकि मम्मी को आप समझ ही सकते हो ना कि मम्मी फिर मैं नहीं चाहती कि किसी तरीके की टेंशन ले, स्ट्रेस ले, बट मुझे अजीब लगा, बहुत अजीब लगा। मुझे लगता है कि इस घर में से सच में कुछ है, मैं ये नहीं कहती कि भूत प्रेत है, ओपरी का साया है या कुछ और है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इस बारे में,
लेकिन मैं कुछ ये तो कहूँगी ना कि कुछ नेगेटिविटी है अभी इस टाइम इस घर में, चाहे थोड़े टाइम के लिए हो। कई बार क्या होती है, नेगेटिविटी हमेशा के लिए नहीं होती घर में, थोड़े टाइम के लिए आ जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर वो क्या होता है ना, हम पूजा पाठ करवाते हैं घर में, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बदलाव करते हैं। कई बार क्या होता है, हम फर्नीचर गलत तरीके से रख देते हैं घर में, है ना, चीज़ें गलत तरीके से लगा देते हैं घर में, तो नेगेटिविटी आ जाती है। और वो नेगेटिविटी चली भी जाती है जब हम चीज़ें ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करवाना पड़ता है उसके लिए, बट वो मुझे नहीं पता क्या करवाना चाहिए। अभी के लिए तो हमने इस घर को बंद कर दिया है, इस घर में अब कोई नहीं रहता, बस थोड़ी देर के लिए कभी कभी मैं आ जाती हूँ, बस ना मम्मी रहते ना मैं रहती इस घर में, बस हमारी यादें रहती हैं इस घर में, हमारी बहुत प्यारी यादें हैं इस घर की जो कभी नहीं भूली जाएंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला घर था, बहुत प्यार से बनवाया था, एक एक दीवार एक एक इमारत पे टाइलें लगवाई थी, सारे काम बड़े खुशी खुशी किए थे। अब आपको फ़र्क पता चलेगा, ये जो दूसरा घर है इसमें आप कहोगे कि इस घर में पॉजिटिविटी है, क्यों, क्योंकि वो फीलिंग अपने आप आती है इस घर में जाते हैं जब हम, तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ गमले लगाए हुए हैं, गमलों से वैसे ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जाता है ना। और एंट्रेंस पे देखो, अब मैं यही तो बात समझा रही थी, मेरा भी खिंडता है घर यहाँ पे, देखो काफ़ी खिंडता है, लेकिन उस हद तक नहीं खिंडता है। देखो मेरा बेड है, मैं 2 बार 3 बार झाड़ती हूँ पूरे दिन में, फिर ऐसे ही बिखर जाता है, क्योंकि बच्चे वाला घर है, बच्चे वाले घर में तो ये सब होता ही रहता है ना। तो घर कुछ भी कह सकते हो आप, घर गंदा था, गंदा रहा है, ये है, बिखरा हुआ है, बट मुझे लगता है कि बात सफाई की नहीं है, बात कुछ और है। तो ये दूसरा कमरा देखो, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से पापा जी अभी सो रहे हैं फर्श पे, ठंडा फर्श लगता है इसलिए फर्श पे सो जाते हैं। और यहाँ बाथरूम वॉशरूम की सफाई, मैंने आज नहाने गई थी ना तो पूरा वॉशरूम साफ कर दिया था। आओ भाई आओ, चू भाई चू, एक चीज मिलेगी, का भाई का, रसगुल्ला। बाबी बा, आओ भाई आओ, चू भाई चू, एक चीज मिलेगी, का भाई का, रसगुल्ला। बाबी बा, आओ भाई आओ, क्यों चू भाई भाई क्यों, चू, एक चीज मिलेगी, मिलेगी क्या का भाई भाई क्या, का, रसगुल्ला। गुल्ला, वाह भाई वाह, मछली, लानी है, जीवन, दूध का पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो दिख जाएगी, तैर जाएगी, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, ते तो भाई रसगुल्ले पे उड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, इतने में उनकी पापा ने मम्मी आई, इतने में उनकी पापा आई, दोनों को दो डांटे दाई, डांट लगाई, वेरी गुड। अच्छा चूहे वाली आती है, दो चूहे थे, दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, मोटे मोटे थे। अच्छा दिल्ली बिल्ली वाली आती है, आती है, बताओ सुनाओ आती वो है। कौन सी थी, एक आती नहीं थी, बिल्ली ने मारा पंजा, कैसे था वो, मूंगफली में दाना नहीं, स्टार्ट कैसे होती है वो वाली पोइम बिहान, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, कैसे स्टार्ट कैसे होती है, एक सेकंड, कैसे स्टार्ट कैसे होती है वो पोइम, मेरे को याद ही नहीं आ रही, मुझे खुद ही याद नहीं आ रही मैं इसको कैसे खाऊं।